साथियों, भाषण सुनना बहुत ही उबाऊ काम माना जाता, लेकिन आपकी शुरुआत अच्छी हो, अगर आप नपे तुले शब्दों में अपने भाषण को दें, आपका संबोधन अच्छा हो, तो निश्चित ही वो आपको ध्यान से सुनेंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना है यदि आप भाषण देना चाहते हैं? तो सबसे पहला कि जब भी आपका क्रम आए तो आप मंच पर बड़ी ही शालीनता के साथ और धीरे धीरे जाएं, बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना जाएं। और भाषण की जब शुरुआत करें तो यदि आपको संकोच होता है, हेजिटेशन होता है, तो शुरुआत की कुछ पंक्तियां आप लोगों से बिना नज़र मिलाए कहें, जिससे आपकी शुरुआत हो जाएगी और निश्चित ही आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है संबोधन। आपका संबोधन कितना अच्छा है, आपका भाषण भी उतना ही अच्छा होगा। और भाषण देते समय उससे पहले उसको एक बार लिख जरूर लें, की पॉइंट लिख लें कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को बोलना है। ऐसा ना हो कि भाषण देते समय हम अपना बहुत कुछ जो तैयार है वो भूल जाएं और हमारा भाषण अधूरा रहे। तो सबसे पहला होता है संबोधन। संबोधन कैसे करें? सबसे पहले बोलें कि मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूं। ये बहुत कम लोग बोलते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके पास अनुभव है। उसके बाद हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा होता है वो सबसे प्रमुख होता है। उसके बाद हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी, ऐसा बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी व इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शकगण, आप सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको सादर वंदन करता हूं। उसके बाद संबोधन के साथ ही जो वक्ता है उसको भाषण के प्रमुख विषय पर आ जाना चाहिए। सर्वप्रथम आयोजकों द्वारा उक्त विषय पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना, आप उनको धन्यवाद ज्ञापित करें और आज मैं इस विषय पर भाषण देने जा रहा हूं, जो भी आपका विषय। इसके साथ ही जिस विषय पर आप भाषण देने जा रहे हैं उसके लिए शायरियां बीच बीच में बोलने के लिए आप तैयार रखें। तो इसी क्रम में फिर एक नया वीडियो लाऊंगा जो आपको मंच पर बोलने की कला सिखाएगा, आपको महारत हासिल कराएगा। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।